नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, आंगनबाड़ी खबर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में बताने वाले हैं कि आंगनबाड़ी सेविका क्यों बर्खास्त हो रही है और सहायिका भी बर्खास्त हो सकती है। यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं सहायिका बर्खास्त हो गई है, लिखा है माझी प्रखंड की 5 आंगनबाड़ी सेविका को किया गया बर्खास्त। यहाँ पे पढ़ सकते हैं, पूरा साफ साफ लिखा हुआ है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो को बीच में ना रोके स्किप मत करिएगा और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में सारी जानकारी दी गई है कि किस किस कारण से आंगनबाड़ी सेविका या सहायिका बर्खास्त हो सकती है। और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो शेयर जरूर करिएगा, इससे आपकी जो सेविकाएँ बहने होंगी तो उनको भी पता चल जाएगा कि किस किस कारण से वो बर्खास्त हो सकती हैं, और वो कारण उनको पता चलने के बाद वो बर्खास्त नहीं होंगी, वो पहले सतर्क हो जाएंगी। इसलिए आप इस वीडियो को अपने सेविकाओं बहनों के साथ, अन्य बहनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल नोटिफिकेशन को और सेट करते हैं तो सबसे पहले आप हमारी नई वीडियो आपके पास पहुँचती रहेगी और आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो बस सबसे पहले इस खबर को हम खोल लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारा खबर खुल चुका है और मतलब इसमें सारी जानकारी दी गई है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा खबर जो है जो खुल चुका है, और यहाँ पे ऊपर पढ़ सकती हैं कि छपरा जागरण, मतलब छपरा की खबर है जो सारण जिला कहते हैं उसको, छपरा में वही है। नीचे लिखा है माझी प्रखंड की 5 आंगनबाड़ी सहायिकाओं को किया गया बर्खास्त। मैंने पहले बोला था कि छपरा के अंदर के माझी प्रखंड है जिसमें ही 5 सहायिकाओं को बर्खास्त किया गया, उनको जॉब से मतलब सेविका के पद से उनको हटाया गया। यहाँ पे पढ़ सकते हैं, एकदम क्लियरली लिखा हुआ है, ऊपर एकदम बड़े बड़े अक्षर में लिखा हुआ है। नीचे लिखा है जागरण संवाद छपरा सारण जिले के माझी प्रखंड में आंगनबाड़ी संख्या 17, 82, 209, 50 एवं 192 की सहायिकाओं को बर्खास्त करके किया गया है। DM राजेश मीणा ने इन 5 आंगनबाड़ी सहायिकाओं को चयनमुक्त किया। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ICDS की अनुशंसा पर किया गया। ये सभी लंबे समय से आंगनबाड़ी केंद्र पर अनुचित रूप से अनुपस्थित थी, इसी कारण माझी प्रखंड के इन 5 आंगनबाड़ी केंद्रों पर के पोशाक जलधारी राजेश मानी ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ICDS के अनुसार पर किया। क्षेत्र के गरीबी वर्ग के बच्चे एवं मतलब ये जो जानकारी दी गई है, इधर भी हम पढ़ेंगे, इधर भी सारी जानकारी दी गई है। पहले इधर की बातों को जान लें कि इधर जो मतलब मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको, इधर जो जानकारी दी गई है यहाँ पे मुख्य जानकारी है कि माझी प्रखंड के 5 आंगनबाड़ी सेविकाओं को बर्खास्त किया गया, जो इतने नंबर की आंगनबाड़ी केंद्र की सहायिका थी। और इनका कारण यही था कि जो आंगनबाड़ी लंबे समय से उपस्थित नहीं थी, मतलब आंगनबाड़ी केंद्र पर लंबे समय से आ नहीं रही थी या उपस्थित नहीं थी, वही बात है। तो इसी कारण इनको बर्खास्त किया गया है। इधर पढ़ते हैं, इधर भी सारी जानकारी दी गई है, इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। नीचे पढ़ते हैं, नीचे लिखा है क्षेत्र में गरीबी एवं बच्चों एवं गर्भवती महिला को, इन बच्चों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। मतलब ये भी बहुत बड़ी और बहुत बड़ी समस्या है कि जो गर्भवती और गरीब बच्चे हैं उनको योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। आप पढ़ सकती हैं, जो योजना आता है उसका लाभ नहीं मिल रहा था, वही लिखा हुआ है। मतलब अभी तक हमको दो कारण मिले हैं जिससे आंगनबाड़ी सेविका या सहायिका बर्खास्त हो सकती हैं। पहला कारण यह है कि आप अपने आंगनबाड़ी पर बहुत दिनों से उपस्थित नहीं थी। दूसरा कारण यह है कि गर्भवती महिला को, मतलब जो गर्भवती महिला गरीब नहीं मिल रहा था, आप यहाँ पे साफ साफ पढ़ सकती हैं। नीचे लिखे हैं आंगनबाड़ी केंद्र पर प्रकार का चाइल्ड एंड मदर केयर सेंटर है। इन केंद्रों पर पोषण शिक्षा के साथ साथ पूर्व विद्यालय गतिविधियाँ शामिल है। इन केंद्रों की गर्भ निर्धारण सलाह की प्रदान की जाती है। आंगनबाड़ी केंद्र पर 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को पोषण व स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करने के लिए गर्भवती अपने इलाके से केंद्र में अपना अपना नाम दर्ज करा रखे टेक होम राशन ले सकती हैं। यहाँ पे आप पढ़ सकती हैं कि साफ साफ मतलब लिखा हुआ है कि 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को पोषण स्वास्थ्य स्थिति की सुधार करने के लिए गर्भवती महिला इलाके के केंद्र में अपना नाम दर्ज कराकर टेक होम राशन ले सकती है। मतलब जो गर्भवती महिला है वो टेक होम राशन यहाँ पे ले सकती हैं बच्चे के, मतलब उसमें नाम दर्ज करा के यहाँ पे आप पढ़ सकती हैं। नीचे लिखा है सहायिकाओं के बिना सूचना अनुपस्थित रहने के चलते सेविका को केंद्र संचालन करने की दिक्कत हो सकती है। ये भी एक मुख्य कारण है कि जब सहायिका नहीं रहती हैं तो सेविका को केंद्र संचालन में बहुत दिक्कत होती है। जो सहायिका का काम होता है वो सेविका को भी शायद करना पड़ता है, या आंगनबाड़ी सेविका बहुत सारी सेविका करती होंगी और बहुत सारी सेविका नहीं करती होंगी। तो ये भी मतलब एक बहुत जानकारी बड़ी, इसमें हमें तीन कारण मिला, मुख्य तीन कारण मिला। जो पहला कारण था कि जो आंगनबाड़ी जो सेविका या सहायिका उपस्थित नहीं थी केंद्र पे,
दूसरा कारण ये था कि गर्भवती महिला एवं बच्चों को नहीं मिल पा रहा था योजना का लाभ। जो जो योजना आता है आंगनबाड़ी सेविकाओं के पास, वो उनका लाभ नहीं मिल पा रहा था गर्भवती महिला के पास। दो कारण हो गए। और तीसरा कारण ये है कि जब आंगनबाड़ी सहायिका ही नहीं रहेंगी तो आंगनबाड़ी सेविका को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, बच्चों को संभालना पड़ेगा, फिर से उन्हें जब आंगनबाड़ी सेविकाओं का काम भी करना पड़ेगा, उनके लिए खिचड़ी पुलाव वगैरह बनाना पड़ेगा। तो आशा करते हैं आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर शेयर करती हैं तो आपकी हर सेविकाओं बहनों को ये बात पता चल जाएगी किस किन कारण से माही प्रखंड की सेविकाओं को बर्खास्त किया गया, और वो सतर्क हो जाएंगी। तो बस आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं आपसे नई और यूजफुल वीडियो के साथ।